हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? खूब करता एकदम मस्त होंगे और आगे भी रहेंगे। आज का जो प्लान है आपने देख ही लिया, मैं कहाँ पे आया हूँ थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। अभी जो आपने रास्ता तो देख ही लिया, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा है, सुहाना है और टूरिस्ट बहुत सारे हैं यार। पार्किंग का थोड़ा बहुत इशू रहता है यहाँ पे, थोड़ा बहुत तो क्या, बहुत ही रहता है। अभी जो आपने पार्किंग देखी, वहाँ से 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर हमको चल के जाना है। कन्फर्म नहीं है, यहाँ के जो हैं वो बोल रहे 2 किलोमीटर, पर मैप में 1 किलोमीटर दिखा रहा है, तो कुछ कह नहीं सकते। और अभी से थोड़ी बहुत सांसें चढ़नी चालू हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो रास्ता ठीक ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं कहूँगा ज़्यादा अच्छा है या ज़्यादा बुरा है। रोड कहीं पे सही है, कहीं पे टूटी फूटी भी है, ध्यान से आना। और बहुत सारे टर्न्स हैं तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखना। ये है फोर्ट पूरा और यहाँ से जा रही है वॉल्स फोर्ट की। पार्किंग की दिक्कत तो है। ये पार्किंग किस काम की? किले की सबसे बड़ी खासियत यह है, इसकी जो दीवार है जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये दीवार, ये 36 किलोमीटर की वॉल है। सेकंड लार्जेस्ट वॉल चाइना के बाद, दुनिया की आफ्टर चाइना के बाद दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है। 36 किलोमीटर की वॉल है, कंप्लीट वॉल है जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, पूरी जिगजैग बनी हुई है। जो अपन ऊपर जाएंगे तो अपन नजर आएगी पूरी, थोड़ी बहुत नजर आएगी, और बाकी पीछे फोर्ट के बैक साइड में कुछ नजर आएगी। पूरी राउंड करते हुए पूरी ये फोर्ट के आके मिल रही है। किले की परिधि के अंदर छोटा सा गाँव है, और ये जो ये वो गाँव है जो 70-80 हाउस बने हुए हैं किले के। ये लोग जनरेशन टू जनरेशन रह रहे हैं। ये उस जमाने के दरबार के किलेदार थे जो किले की देख रेख करते, सुरक्षा करते थे, जो इसका गार्ड समझ, हाँ उनके गार्ड समझ कुछ भी समझ लिया, किलेदार बोलते थे उनको। जिसमें मोमेडियन भी है, राजपूत फैमिली भी है, ट्राइबल भी है, साधु भी है, ब्राह्मीण भी है। तो उसमें क्या है, अभी क्या ये जो किला है, अभी ये 1958 से आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको टेक ओवर कर लिया। तो ये जो बेसिकली किला था, यहाँ पे 100 ईयर्स रॉयल फैमिली ने स्टे किया, और इस किले का जो सेकंड जो नेम है इसको अजय दुर्ग कहते हैं, इसी किले, इस किले को, क्योंकि ये कभी जीता नहीं गया था, मतलब कभी जीता नहीं गया था। इसको कोशिश काफ़ी बार हुई इसके ऊपर करने की, लेकिन काफ़ी छिपा हुआ किला था, मतलब पहाड़ों अरावली पर्वत मतलब बना था, काफ़ी इंटीरियर बना हुआ है, तो किला नजर नहीं आता था, दूर से दिखता था काफ़ी दूर से, लेकिन नज़दीक आने के बाद छिपता रहता था। तो इसके ऊपर ऐसा कहता है कि भाई इसको अजय दुर्ग कहते हैं, और इस किले को कभी जीता नहीं। और इसके बाद उदयपुर की स्थापना हुई, और किले के अंदर करीब जो आप मंदिर जो देख रहे हैं ना, ये ऐसा कहते हैं कि 360 मंदिर है, 360 टेम्पल, इसमें से 5 हिंदू मंदिर थे वो महाराणा कुंभ ने बनाए। आज जो दिन है, आज टिकट फ्री है। अच्छा, आज का इसका रीज़न ये है कि आज के वर्ल्ड हेरिटेज डे है, विश्व विरासत दिवस है, इसीलिए आज वो छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है इन आर्कियोलॉजी वालों ने। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज डे है, तो इसलिए आज सबका टिकट फ्री कर रखा है। अब कुछ चीज़ें ऊपर दिखाएंगे। महाराणा कुंभा ने जब फोर्ट का निर्माण, जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, उस समय काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई उनके साथ, काफ़ी परेशानी हुई, क्योंकि एक उनके लिए अनजान जगह थी, क्योंकि उनका जो महल था, मैन जो कुंभल चित्तौड़गढ़ में था। तो उस जमाने के अंदर जब महाराणा कुंभा ने जब किले का निर्माण शुरू किया, जब किले की दीवार बनना जब शुरू हुई, तो उसमें दिन में दीवार बनाई जाती थी लेबर द्वारा, शाम को अपने आप गिर जाएगा, तो बहुत चिंतित हुए। और महाराणा कुंभा ने अपने सेनापति से पूछा कि भाई क्या हो रहा है मेरे साथ, और सेनापति को बुलाया, तो सेनापति ने उनको जवाब दिया कि भाई पास में एक गांव है, यहाँ पे एक साधु रहता है, मेहर बाबा करके संत है, और वो अपना सोल्यूशन निकालेंगे। तो महाराणा कुंभा सेनापति के साथ में जाके, और उनसे मुलाकात हुई साधु महात्मा से,
साधु महात्मा ने कहा कि भाई जिस पहाड़ पे आप दुर्ग बनाना चाहते हैं वहाँ पर किसी देवी का प्रकोप है और वहाँ पे किसी इंसान की नरबलि जब तक नहीं होगी तब तक आप किले का निर्माण नहीं कर पाओ। पहले के जमाने में नरबलि हुआ करता था, अभी जैसे अपने एनिमल्स की जो बलि होती है ना बकरे की होती है तो पहले नरबलि भी होती है। तो नरबलि जब हुई थी तो महाराणा कुंभ बड़े चिंतित हुए इस बात को लेकर, भाई ऐसा कौन इंसान है जो मेरे लिए नरबलि करेगा। और काफ़ी दिनों तक वो चिंतित रहे इस बात को लेकर, तो वापस साधु के पास गए। उनका नाम था मेहर बाबा, मेहर नाम था मेहर बाबा करके। दोबारा साधु महात्मा के पास गए और उन्होंने पूछा कि भाई मेरे को ऐसा कोई इंसान नहीं मिल रहा है कि मैं नरबलि देने के लिए हो जाए। तो साधु महात्मा ने कहा कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं मेवाड़ के राजा के लिए अपना स्वयं का बलिदान देने के लिए तैयार हूँ और इतना बड़ा सौभाग्य मुझे और कब मिलेगा कि मेवाड़ के राजा के लिए मैं अपना बलिदान दूँ, पर मेरी एक ही शर्त है कि मेरे नाम का एक मंदिर हो किले के अंदर ताकि मेरी पूजा की जाए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई सुबह सूर्य उदय होने से पहले जब मैं पहाड़ पर चलना शुरू करूँगा और जहाँ मैं पहली बार रुकूँ वहाँ मेरी गर्दन काट दी जाएगी। तो उनका जो बलि हुई थी इसी जगह हुई थी, अपन जहाँ खड़ा है एग्जैक्ट उनका जो हेड जो गिरा था वहाँ पीछे मंदिर जो बना हुआ है वहाँ पर हेड गिरा था, कुछ शक्ति थी वो अपने आप में। यहाँ से विदाउट हेड उनकी बॉडी वॉक करते हुए उन्होंने बोला कि जहाँ जहाँ चलूँगा मैं पहाड़ के वो वहाँ वहाँ तक आप फोर्ट का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ से बॉडी विदाउट हेड चल के जो उसका जो किले का सबसे टॉप पार्ट जो है वहाँ पर जाके बॉडी गिरी और वहाँ पर जाके एक अच्छा सुंदर मंदिर बनाया काफ़ी खूबसूरत। ये है वॉचिंग टावर, पूरे एरिया पे यहाँ से नज़र रख सकते हैं। बाकी चीज़ें हमारे गाइड सब बताएंगे। ये जो हाइट है सी लेवल से इसकी 1100 मीटर हाइट पे बना हुआ है, अरावली पर्वतमाला के बीच में किला बनाया गया है और 1100 मीटर यानी करीब 3500 फीट। राजस्थान के अंदर सबसे जो हाई एल्टीट्यूड है वो माउंट आबू का है गुरु शिखर का 1700 मीटर और 5000 फीट के आसपास। कुंभलगढ़ है 1100 मीटर। ये किले का जो मेन वॉच टावर देखो यहाँ से पूरे किले की जो है फ्रंट पूरी दीवार पे निगरानी रखी जाती थी, यहीं से किले की देखरेख होती थी और यहाँ से पूरी दीवार का दृश्य देख रहे हैं आप, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है और मंदिर अंदर सारी चीज़ें आपको यहाँ से दिखाई दे रही है। हर साल यहाँ पर कुंभलगढ़ फेस्टिवल होता है, उसमें 3 दिन का प्रोग्राम होता है जिसमें फर्स्ट डे जो होता है वो मैराथन होता है बॉल वॉक, ये होता है जनवरी के अंदर 2 डेज कल्चर्स प्रोग्राम होते हैं, फर्स्ट डे मैराथन। अच्छा, ये करीबन 5-7-8 साल पहले स्टार्ट हुआ था और कुंभलगढ़ के अंदर 8-10 साल पहले लाइट एंड साउंड शो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। अच्छा, टूरिस्ट के लिए। और लाइट एंड साउंड शो प्रोग्राम अभी जो है लॉकडाउन के बाद लाइटिंग प्रोग्राम बंद कर दिया है जी। और फोर्ट की लाइटिंग होती है एवरी डे 6:30 इवनिंग में, इसमें काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दिखता है। सामने देख रहे हैं आप, नीचे की तरफ देखिए आप, दो बड़ी दीवार दिख रही है आपको जो पहले किले के अंदर सबसे बड़ी पानी की आवश्यकता होती थी उस समय महाराणा कुंभा, क्योंकि जब किले का निर्माण शुरू हुआ सबसे पहले तालाब बनाए गए। तो सामने जो वॉल दिख रही है वो पूरा पॉन्ड था, एक उसके पीछे वो था तालाब था जहाँ पे पानी का स्टोरेज किया जाता था, बारिश का पानी इकट्ठा करते थे और इससे पानी का किले का निर्माण शुरू हुआ। बाद में ये किले की दीवारें जो है इसके तालाब की जो पॉन्ड की जो वॉल थी ये डैमेज हो गई, तो यहाँ पे गाँव के लोग अभी खेती करते हैं। पानी की समस्या रहती थी कि पानी ऊपर पहाड़ पर रहना टिकना बड़ी बड़ी मुश्किल काम था, तो उस समय महाराणा कुंभा ने ये बड़ा टैंक बनाया वाटर स्टेज के लिए, स्टेप वेल की तरह ताकि सीढ़ियों से उतर के आराम से पानी लाए जा सके और यहाँ पे बारिश का पानी स्टोरेज करते थे। अच्छा, क्योंकि पीने का पानी नीचे बावड़ी से आता था तो उसको तो आराम से सेना जो भी उनकी सेना के जो सर्वेंट होते थे वो ला सकते थे, लेकिन नहाने धोने के लिए जो ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट थी वो नहीं ला पाते थे, तो काफ़ी नीचे से चढ़ना काफ़ी बड़ी टास्क होती थी। उस समय जमाने के अंदर फिटकड़ी जो है एलम जिसे बोलते हैं अपन, उससे पानी फिल्टर किया जाता था। इधर छोटा सा एक पॉन्ड बना हुआ, छोटा सा मतलब टैंक टाइप बना है, तो यहाँ जितनी पानी सारा पानी एक साथ फिल्टर नहीं होता था, जितनी पानी की रिक्वायरमेंट होती थी वहाँ से पानी यहाँ फिल करके वो इसको एलम से फिल्टर करके पानी का नहाने धोने के लिए इस्तेमाल किया। मेवाड़ के जो राजा महाराजा हैं राजपूत फैमिली जो है पगड़ी पहनते हैं और पगड़ी पहनते थे उस समय, तो यहाँ पे राजा महाराजा जो भी गेस्ट आते थे उनका पगड़ी पहन के वेलकम होता था, इसलिए गेट का नाम पगड़ा बोल रखा गया है। और जस्ट इसके पास में आप जो देख रहे हैं डॉम्स वाला जो रूम नज़र आ रहा है, नज़ारा जो दिख रहा है आपको कीड़े चढ़ के, ये जो हमारा वीर योद्धा महाराणा प्रताप है 9 मई 1540 में उनका जन्म हुआ था इसी जगह, इसी डॉम्स के नीचे जो बड़ा रूम बना हुआ उनका बर्थ प्लेस है महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 में।
उसके ऊपर जो सामने जो ऊपर महल दिख रहा है आपको, वो नया महल बना है, वो बना है 1884 से 1930 के बीच में। उसका नाम है बादल महल, क्योंकि बारिश के समय में काफ़ी क्लाउड्स रहते हैं, नाम बादल महल रखा गया। और उसका ओरिजिनल फर्स्ट जो नेम था उसका फतेह प्रकाश पैलेस, हाँ, क्योंकि उसको बनाया है महाराणा फतेह सिंह जी ने, अभी जो राजा अरविंद सिंह जी उनके ग्रेट ग्रैंडफादर ने बनाया 1884 से 1930 के बीच में। क्योंकि कुंभलगढ़ ऑलमोस्ट 100 ईयर्स यहाँ पर रॉयल फैमिली ने स्टे किया, उसके बाद उदय सिंह जो है जिनका बचपन यही निकला, उनकी शादी हुई थी, महाराणा प्रताप का बर्थ प्लेस कुंभलगढ़ है, उसके बाद उन्होंने उदयपुर की स्थापना की 1559 के अंदर। तो उसके बाद इस यहाँ पर कुंभलगढ़ आना जाना उनका कम था, तो काफ़ी सालों बाद कुछ राजा महाराजों ने इस किले का ध्यान नहीं दिया, देख रेख खाली किलेदार करते थे, राजा महाराजा कम आते थे यहाँ पर। और उसके बाद काफ़ी लेट, मतलब 1884 के अंदर, जब महाराणा फतेह सिंह ने देखा कि भाई अपने बाप दादा की जो पूर्वजों की जो महल जो बना हुआ है, जो आदेश ज़्यादा गिर चुका है, जहाँ बादल महल जहाँ बना हुआ वहाँ पे कुंभा महल था एक्चुअल में, उसका नाम था कठारगढ़, तो वो गिर चुका था आदेश ज़्यादा। तो महाराणा फतेह सिंह ने देखा कि अगर ये इसका पूरा देख रेख नहीं करेंगे या नया नहीं बनाया जाएगा तो ये पूरा गिर जाएगा। तो महाराणा फतेह सिंह ने पूरा नया बादल महल नया बनाया, और जो भी किले का जो टूट फूट हो रही थी, जैसे ये कुंभ मेल का जनाना पार्ट है, जो भी पार्ट देख रहे हैं आप नीचे दीवार वॉल जो है वो सारी रिनोवेशन की है महाराणा फतेह सिंह ने। तो ये ऊपर बादल महल, अभी कुंभ मेल है, यहाँ पे एक पुराना मंदिर बना हुआ दुर्गा माता का मंदिर है, अभी माता जी का मंदिर है, वो दर्शन करने हैं वो आप कर लीजिए, फिर अपन चलेंगे बादल। ये जो माता जी का मंदिर है यहाँ पे 700 साल से जोत जल रही है, और यहाँ पे जो एक लेडीज बैठते हैं वो 70 सालों से यहाँ पे बैठे हैं, आप देख सकते हो हल्की सी लाइट दिख रही होगी, अंदर कैमरा नहीं ले जाऊँगा और कैमरा अंदर परफॉर्म भी नहीं करेगा। मंदिर है सबसे सारे जैन मंदिर, सामने जो दिख रहे हैं हमारे सारे जैन मंदिर, मंदिर है, ये महाराणा कुंभ के पहले के मंदिर है। अच्छा, ये महाराणा कुंभ ने नहीं बनवाया एक्चुअली, ये महाराणा कुंभ के पहले कोई जैन राजा थे, उन्होंने उनके द्वारा बना गए। अब एक्चुअली इसका बुक्स में कोई लिखा हुआ नहीं कि भाई कब के हैं, ऐसा कहते करीब 800-900 साल पुराने, 1000 साल पुराने मंदिर है, जिनको कुछ महाराणा फतेह सिंह ने रिनोवेशन कराया, बाकी कुछ ऐसे गवर्नमेंट ने रिनोवेट करवाया। तो अभी जो जिस कंडीशन में उसको रिनोवेट करे उसको नया नहीं बनाया। ये मंदिर देख रहे हैं आप, ये जो नीचे आपने स्टोरी सुनी ना भैरव मंदिर, हाँ यहाँ तक आई थी राइट, और ये उन्हीं का मंदिर है। सिनोटेप छतरी जो है ये महाराणा फतेह सिंह ने जब बादल महल बनाया उसमें बनी है, और देखो जो श्रृंगार जो कर रखा है ना ऊपर, देखो पूरी बॉडी बनी हुई लेकिन हट नहीं ऊपर दिख रहा ना, वो श्रृंगार जो प्रॉपर दिख रहा है, उसमें सर नहीं बनाया गया, भैरव टेम्पल के नाम से बनाया है, भैरव जी का मंदिर है पूरा प्रॉपर, पूरा जो पार्ट है ये बादल महल का जनाना पार्ट है, कुछ रूम से जो बंद करके आर्कुली जो लेने पुराने सामान रखे हैं अंदर जो लॉक करके रखे हैं, जो डिस्प्ले नहीं कर रखे हैं, और कुछ रूम्स हैं जो क्वींस के रूम में अंदर आप देखिए तो सामने पेंटिंग्स बनी हुई पुरानी 70 ईयर्स ओल्ड है, सारी वेजिटेबल कलर से पेंटिंग बनी गई पूरी वॉल के ऊपर। बैक साइड बहुत ही शानदार, ये तो देख लो आप। वो रहा रास्ता, और एक कार की भीड़ देखो आप, ये कार की भीड़ देखो आप, लाइन से लगी हुई है। अच्छा हुआ जब मैंने कार दूर ही खड़ी कर दी, बहुत बढ़िया। सो गाइस, कुंभलगढ़ तो आपने देख लिया, बहुत ही अच्छा था, मज़ेदार था, आपने गाइड साहब से सब सुन ही लिया कैसा क्या है। गाइड साहब को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ मैं आपसे, आओ जी गाइड साहब। हाँ जी, मेरा नाम महिपाल सिंह सक्तावत है, और मैं करीबन 10 से 12 साल से गाइडिंग कर रहा हूँ, और किले के ऊपर भी काफ़ी टाइम गाइडिंग करी, पहले भी करी, अभी भी करता हूँ। और पहले मैं वैसे मैंने लैंग्वेज कर रखी फ्रेंच, और यूरोपियन क्लाइंट्स को घुमाता हूँ, फ्रेंच जो क्लाइंट आते हैं उनको, लेकिन अभी लॉकडाउन के बाद यूरोपियंस बंद हैं, तो अभी इंडियंस जो भी आ रहे हैं हमारे उनको मैं पूरा भ्रमण करवा रहा हूँ कुंभलगढ़ का फोर्ट 8 से 10 साल। और मैं सुबह यहीं पे सुबह 9 बजे करीब आता हूँ, करीबन 3 से 4 राउंड में अभी कर रहा हूँ किले, क्योंकि काफ़ी भीड़ चल रही है, और जिसमें सबसे ज़्यादा जो गुजराती लोग आ रहे हैं उनकी वजह से हमको भी रोज़गार मिल रहा है। बाकी हम 3-4 महीने काफ़ी टाइम से फ्री थे, और इस कोविड की वजह से हम काफ़ी टूरिज़्म पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा, काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ टूरिज़्म से जो जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी अब थोड़ा बहुत ये जो डोमेस्टिक क्लाइंट है उनसे हमारा रोज़गार चल रहा है।
आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छी तरीके से आपने गाइड करा, सब कुछ डिटेल में बताया है और साफ शब्दों में बताया, मेरी भी अभी शब्द साफ नहीं है वैसे तो, पर आपके जो शब्द हैं बिल्कुल ही वो साफ है, एकदम लोगों को समझ में आ जाते हैं। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके, आगे कभी आएंगे बिल्कुल, तो बिल्कुल आपसे मिलेंगे, बिल्कुल कांटेक्ट करिए सर मुझे। इनका कांटेक्ट जो इंस्टाग्राम है वो है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, तो उस पर आप जाके इनको फॉलो कर सकते हो, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ पे आपको मिल जाएगी, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है महिपाल सर, ओके सर, बिल्कुल सर, थैंक यू। तो गाइस अभी ये देख रहे हो आप जो मेन गेट है ना, ये मेन गेट से अपन इधर जाएंगे तो महादेव जी का मंदिर है, तो अभी वहाँ चलते हैं। अभी यहाँ फंक्शन हो रहा है तो यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, अपन यहाँ करते नहीं है, बस मज़ा आ गया। आगे देखो मंदिर चलते हैं फिर वीडियो एंड करते हैं। सो गाइस ये मंदिर से व्यू तो आप देख ही सकते हो, बहुत ही प्यारा है, इस मंदिर पे आना वर्थ है क्योंकि पूरा फोर्ट दिख रहा है यहाँ से ऊपर से नीचे तक। आय हाय हाय, ये है सब कुछ व्यू, ज़्यादा दूर नहीं है, ये है मंदिर, यहाँ से जाते हैं नीचे, वहाँ पे प्लेस बनी जो मेन एंट्रेंस है वो वहाँ पे है और फिर वहाँ से आप ऊपर जा ही सकते हैं, मज़ा आ जाएगा। किसी रीज़न की वजह से मेरी वॉइस यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुई तो मैं वॉइस ओवर कर देता हूँ। कर तो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, खम्मा गणी।